बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो अगेन लीड जनरेशन के ऊपर, लेकिन वेबसाइट चेंज है। पहले ज़िलों पे एफएसबीओ पे बन चुकी है मेरी वीडियोस, आई थिंक मे बी हाँ। तो अभी ये वेबसाइट है रेडफिन, हम रेडफिन पे आज काम करने वाले हैं कि रेडफिन जो है इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी MLS के साथ कह लें अटैच है, जैसे बाकी MLS के साथ होती हैं, या FSBO या ज़िलो है। तो ये भी जो वेबसाइट है रेडफिन, ये भी उसी के साथ है। यहाँ पर आप लीड जनरेशन बिल्कुल कर सकते हैं इजीली, यहाँ आप लिस्ट कर सकते हैं अगर क्लाइंट के लिए, आप फाइंड कर सकते हैं होम, सारा कुछ यहीं पर होता है जैसे ज़िलो पर होता है, ठीक है। अब इसको यूज़ करने का तरीका, इसके फ़िल्टर्स वगैरह, ये सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन काइंडली वीडियो पूरी देखना, फ़ायदा तभी होगा आप लोगों को, अगर पूरी नहीं देखोगे तो भाई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, कैमरा इसलिए नहीं चला रहा ताकि होल स्क्रीन जो है वो आप लोगों को पता चलता रहे भी क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कैमरा इसलिए मैंने नहीं अपना जो ऑन किया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, नए आए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना ताकि नई वीडियो जितनी भी हों वो ईज़िली आप तक पहुँच जाएँ, स्किल्स की या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फाइबर अपवर्क, सारी जो भी हैं कोर्सेज़ वगैरह जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ यार, रातों को जाग जाग के। तो देखा करो यार, देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो लोग दोस्तों के साथ, आगे खुद न सीखो औरों को भी सिखाओ, उनको ये दिखाओ भाई देखो काम करो, ठीक है। अच्छा जी, अब काम ज़रा शुरू कर देते हैं। यार मैंने ओक्लाहोमा सिटी वैसे पकड़ के रखा हुआ, कुछ चेंज कर लेना चाहिए, कैसे क्या ख्याल है? आज कौन सा करते हैं, एडमंड, ठीक है। ये भी ओके किया है, ओक्लाहोमा की है सिटी है एडमंड। इसको मैंने किया सर्च, सर्च करने के बाद खुल गई भाई इस तरह से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना इजी है। इजी क्या है? वो फ़िल्टर्स लगाना। अब फ़िल्टर्स कैसे लगने हैं, फ़िल्टर्स प्राइस, ये पहले यहीं पे आ जाए। अच्छा, वो पहले हम ज़िलों पे की थी ना, तो ज़िलों पे यहाँ पे आ रही होते हैं सारे फ़िल्टर्स, ऊपर वाली साइड पर होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। अब ये जो है इसके फ़िल्टर्स जो हैं नीचे आएँगे, ये एक दो ऊपर हैं, ठीक है, ये बल्कि हाँ वगैरह वगैरह, एडमंड होम्स फॉर सेल, प्राइस मिनिमम आप जितनी दे सकते हैं, प्राइस रेंज आपने देनी है मैक्सिमम जितनी आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्राइस का है। इसके बाद आ जाता है इस कॉर्नर के अंदर ये मोर फिल्टर्स। अब सारे फिल्टर खुलेंगे यहाँ पे रेडफिन के अंदर। रेडफिन का ये तरीकाकार है, यहाँ पे फिल्टर आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, पहली चीज़ बेडरूम, जितने आप देना चाहें, जितने बेडरूम्स वाला आप लिस्टिंग निकालना चाह रहे हैं यहाँ लगाएंगे वो बेडरूम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे आपको मिनिमम, आप कहते हैं जी मैं 1 से 5 बेडरूम के अंदर अंदर जो है वो लिस्टिंग्स चाहिए, ठीक है। आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, हमने नो कर दिया वैसे बाय द वे। अच्छा, ये मिनिमम, नो मिनिमम इसका यानी कि नंबर ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम ये आप दे सकते हैं, 1+ हो, 1.5+ हो, 2+ हो, 3+ हो, ठीक है, यहाँ 0 कर देंगे इसको, ठीक है। बेड और बात का आ गया फिल्टर, ये आप लोगों ने देख लिया। अब प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप है हाउस, टाउन हाउस, कंडो, मल्टी फैमिली, लैंड, अदर्स, अदर, ठीक है। अब हाउस क्या है, हाउस सिंपल सी बात है कि ये भाई सिंगल फैमिली होम है, जो ना SFH होती है, सिंगल फैमिली होम, ये वो है। टाउन हाउस, टाउन हाउस है जैसे कि होता है अटैच होते हैं साथ साथ, कंडो या अपार्टमेंट टाइप्स होते हैं, मल्टी फैमिली जहाँ एक ही यानी कि मल्टी फैमिलीज रहने वाला हिसाब बना होता है, सेंटर में एंट्रेंस कह लें या इस तरह से, ठीक है। नीचे क्या है, लिस्टिंग स्टेटस। अब ये आज मज़े की चीज़ इसमें भी आने वाली है, इसको ओपन, सॉरी यहाँ नहीं होना, नीचे होना है, फॉर सेल वाले पे किया, स्टेटस एक्टिव प्लस कमिंग सून लिस्टिंग्स, कमिंग सून लिस्टिंग्स, एक्टिव लिस्टिंग्स, एक्टिव प्लस अंडर कंस्ट्रक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और पेंडिंग, ओनली अंडर कॉन्ट्रैक्ट और पेंडिंग। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, जो आप यहाँ इजीली चूज़ कर सकते हैं कि कौन से हमें चाहिए, ठीक है। एक्टिव प्लस कमिंग सून हमने लगा दिया, बल्कि लगा हुआ था। टाइम ऑन रेडफिन, अब इस पर दिन कितने हुए उसको लिस्ट हुए हुए, ये चीज़ खासकर जैसे ज़िलों पर हम निकालते थे, अभी ज़िलों पर कितने दिन हुए उसके ना, डेज ऑन ज़िलो, तो ये टाइम ऑन रेडफिन, रेडफिन वालों ने डेज ऑन रेडफिन नहीं लिखा, इन्होंने टाइम ऑफ रेडफिन लिख दिया, ठीक है। नीचे इसका क्या होगा, न्यू लिस्टिंग्स लेस देन 3 डेज, लेस देन 7 डेज, लेस देन 14 डेज, लेस देन 30 डेज एंड मोर देन 7 डेज, मोर देन 14 डेज, यानी कि लेस देन भी आप लगा सकते हैं, मोर देन भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन, दोनों फ़िल्टर्स मौजूद हैं रेडफिन के पास। अब ओपन हाउसेज का फ़िल्टर भी है कि ओपन हाउसेज जो ओपन है, जिनको आप जाके अभी देख सकते हैं, जो ओपन हाउस होंगे वो,
फिक्सर अपर जोन ली, एक्सक्लूड शॉर्ट सेल्स, रेडफिन लिस्टिंग जोन ली, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके नीचे मोर, शो मोर। अच्छा ये चीज़ पहले नहीं थी, MLS लिस्टिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप FSBO वाले भी निकाल सकते हैं, आप FSBO का निकालना चाहें वो भी आएगा। MLS लिस्टिंग अगर आप ये ख़त्म कर दें, तीनों ख़त्म हो जाएंगे वैसे, ठीक है ना, वो सारे ही चले गए यार, फॉर सेल ही बंद हो गया। हमने भाई फॉर सेल पे ही रखना है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो फॉर सेल लगा हुआ, देखो मैंने सारे वो कर दिए ना, हम फॉर सेल पर ओनर नहीं रखेंगे। MLS लिस्टिंग जो है वही हमें चाहिए, हमने वो निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी फैक्ट्स, स्क्वेयर फुटेज नो मिनिमम, यहाँ पे आप मिनिमम स्क्वेयर फुटेज जो है वो आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम लगा सकते हैं। ये स्क्वेयर फुटेज कौन सी होगी, जो आपके कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्टेड एरिया जितना बन चुका है, ठीक है, ये उसकी है मिनिमम और मैक्सिमम जो आप स्क्वेयर फुटेज दे के अपने क्राइटेरिया पर निकालेंगे प्रॉपर्टीज़। यहाँ लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ पहले भी मैं समझा भी चुका हूँ कि लॉट साइज़ क्या होता है, लॉट साइज़ प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट को लॉट कहते हैं, यानी कि आपका जो प्लॉट का एरिया होगा, जो लैंड होगी, उसको लॉट साइज़ कहते हैं, वो कितनी हो मिनिमम से मैक्सिमम वो भी दे सकते हैं। ईयर बेल्ट ये हम लगा सकते हैं, मैक्स एचओए फीस ये हम लगा सकते हैं, स्कूल साथ क्या है, होम एमिनिटीज़, होम एमिनिटीज़ में आप पार्किंग स्पेसेस का स्टोरीज कितनी हैं, मस्ट हैव गैरेज, मस्ट हैव पूल, ग्रीन होम्स ओनली, वाटर फ्रंट ओनली, फिनिश्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं सिंपल आप लोग यहाँ पे लगा के तो अप्लाई फ़िल्टर करेंगे ये वाले, और आपकी जो हैं वो निकल आएंगे प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ तो निकल आई, प्रॉपर्टीज़ निकलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिंपल सा काम करना था, हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ डिटेल्स कैसे आ रही हैं ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ऊपर तो आ गया एड्रेस, ठीक है। एड्रेस क्या करना है मैं यार आपको करके दिखा देता हूँ, उधर कॉपी पेस्ट थोड़ा सा, ताकि शीट में, ये मेरे पास लास्ट शीट वैसे खड़ी थी ओनर फोन वगैरह वाली, इसको मैं उड़ा दूँगा क्योंकि फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इधर से निकाल के इधर डाल दिया, ये ओके भी इधर से निकाल के इधर डाल दिया, और ये सिटी का नेम हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम क्राइटेरिया हमेशा अपना रखते होते हैं, ये वही क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आ गई, अब यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट प्राइस, ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बेड बात कितने, चार बेड साढ़े तीन बात है, ठीक है, उससे हम पिछली प्रॉपर्टी वाला इसका भी खुलिया। अच्छा अब यहाँ स्क्वेयर फुटेज भी आ रही है, तो स्क्वेयर फुटेज आ रही है तो हमने क्यों नहीं निकालनी, हम भाई स्क्वेयर फुटेज का भी कॉलम बना देंगे SQFT, क्योंकि क्लाइंट अक्सर आपको कहता है कि मुझे स्क्वेयर फुटेज भी चाहिए कि उसकी स्क्वेयर फुटेज कितनी है, ठीक है। बेड बात हो गया, हर चीज़ होगी, हमने निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद आप लोग नीचे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं जो उन्होंने लिखी हुई है इसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। प्राइस हाइट्स, प्राइस लिस्ट प्राइस कितनी है, ये है रेडफिन एस्टीमेट। अच्छा रेडफिन भी एस्टीमेट देता है, जैसे जिलो देता है ना जेस्टीमेट, या रेडफिन अपना एस्टीमेट देता है अपने हिसाब से। तो 479900 की लगी हुई है इसकी लिस्टिंग, और रेडफिन का एस्टीमेट क्या है, 457.92 जो है वो कह रहा है कि इसका ये आइडिया मेरा है, ठीक है। स्टेटस क्या है, एक्टिव है। प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल सिंगल फैमिली, प्रॉपर्टी टाइप पहले आ गया फिर सब प्रॉपर्टी टाइप आ गया, सब टाइप जो कहते हैं, सिंगल फैमिली होम है ये वाला, ठीक है। ईयर बिल्ड 2020 का है। लॉट साइज़ 8398 स्क्वेयर फुटेज का है। टाइम ऑन रेडफिन 182 डेज, और भाई इसको बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 182 डेज का आ रहा है। आपको साथ में ये मैप भी देता है, मैप पे किस जगह पे मौजूद है ये मार्क करके इसके साथ भी आ रहा है। ओपन हाउसेस के बारे में इसकी डिटेल है भी, ओपन हाउसेस जो हैं कौन से हैं, 200%, ठीक हो गया। और ये पेमेंट कैलकुलेटर, हर चीज़ इसकी, बाकी जो डिटेल्स जो हैं प्रॉपर्टी की, इसके मिलती जुलती जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ का, ये सारी डिटेल्स नीचे मौजूद हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसका बताया कि इसमें फ़िल्टर कैसे लगेगा, फ़िल्टर लगने के बाद आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने डिटेल्स कहाँ से निकालनी, कौन कौन सी निकालनी है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी रेडफिन की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।